आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी और इसमें आप ही का फायदा है और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा, क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें या फिर अपने घर पर पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज 8 तारीख का नीति वचन 8वां अध्याय उसकी पहली आयत से आप यहाँ पर एक शब्द दे रखा है बुद्धि और समझ को लेकर, उसकी जगह परमेश्वर के वचन को रखना और परमेश्वर को रखना कि बुद्धि नहीं वरन प्रभु बोल रहा है, समझ नहीं वरन प्रभु बोल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले वचन से। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊँचे शब्द से नहीं बोलती? वह तो ऊँचे स्थानों पर मार्ग की ओर और तिरमुहानियों में खड़ी हुई होती है और फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वार ही में वह ऊँचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों तुमको मैं पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। मतलब प्रभु हर एक मनुष्य को पुकार रहे, आओ मेरे पास आओ, मुझ पर भरोसा रखो। मतलब आज कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, लेकिन बहुत से लोग तिरस्कार कर रहे हैं, बहुत से मजाक उड़ा रहे थे और बहुत से लोग खुदा को बदनाम कर रहे थे, बहुत से लोग खुदा के ऊपर दोष लगा रहे थे कि तू धर्म बदलता है, बहुत से लोग खुदा के लोगों के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे। तो आज खुदा उन लोगों के द्वारा बोलता है कि भाई विश्वास करो, अरे लोगों विश्वास करो, हे आदमियों, हे भाइयों विश्वास करो, यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन जिनको सुनाया जा रहा है सुसमाचार, वो लोग खुद ही विरोध करने की कोशिश कर रहे थे खुदा का, खुदा के वचन का और खुदा के लोगों का। तो लिखा है क्या कि हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है, हे बोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो, सुनो क्योंकि मैं तुमसे उत्तम बात कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई ही की बातों का वर्णन होता है और दुष्टता की बातों से कहना को मुझे घृणा आती है। लिखा है मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई भी टेढ़ी व उलटफेर की बातें नहीं निकलती। समझ वाले के लिए वे सब सहज हैं और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। चांदी नहीं वरन मेरी शिक्षा ही को लो। आज इंसान रोटी कपड़ा मकान के पीछे धन के पीछे इतना पड़ा है कि उसको अपने प्राणों की बिल्कुल शुद्धि नहीं है, अपने प्राणों के बारे में नहीं सोच रहा कि क्या उसके प्राणों को वो रोटी कपड़ा मकान धन दौलत चांदी सोना बचा सकता है, नहीं। लेकिन इन प्रभु कह रहा है कि चांदी को नहीं वरन मेरी शिक्षा को लो, जिससे तुम्हारे प्राण बचेंगे, जो कुंदन से भी उत्तम बढ़कर है उसे ग्रहण कर लो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अधिक अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में उसके कोई भी तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, मतलब मैं जो परमेश्वर हूँ, तुम सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चालों से और उलट फेर की बातों से मैं बैर रखती हूँ। मतलब परमेश्वर इन सब बातों से बैर रखता है। और लिखा है आगे 14वीं आयत में, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा ही है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मतलब जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनसे परमेश्वर भी प्रेम रखता है। और जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। मतलब प्रभु कह रहा है जो मुझे यत्न से तड़कर उठकर खोजते हैं, मुझे खोजते हैं तो वो मुझे पाते हैं। लिखा है 18वीं आयत में, धन और प्रतिष्ठा मेरे ही पास है, वरन ठहरने वाला धर्म और धन भी मेरे ही पास है। ठहरने वाला धन, आज इंसान उस धन के पीछे पड़ा है जो खुद उसके प्राण नहीं बचा सकता, जो उड़ने वाला कोहरा है, लेकिन जो धन परमेश्वर देता है वो ठहरने वाला धन है। लिखा है 19वीं आयत में, मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म की पाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ और जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले से ही ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ व पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी की और ना मैदान ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई।
जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी, और जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट निकले, जब उसने समुद्र का सिवान ठहराया, जल उसकी आज्ञा ना उल्लंघन कर सके ना ही तोड़ सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, मतलब उसका नाव बिठाता था, तब मैं कारीगरी सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर एक समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो मेरे मार्गों को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, और उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वह मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगा रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। जितने मुझसे पैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। मतलब जो परमेश्वर से पैर करता है वो मृत्यु से प्रीति रखता है। तो मतलब प्रभु इन वचनों के द्वारा बताना चाहता है कि हमें सोने चांदी से ज़्यादा हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उसका भय मानना है। क्योंकि भय मानने से ही, बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है, और भय मानने के द्वारा ही हमें बुद्धि मिलती है। तो जितना हम बुद्धि को खोजेंगे, मतलब परमेश्वर का डर मानेंगे, जितना बुराई से बैर करेंगे, उतना ही हमारा जीवन दीर्घायु, धन और महिमा से परिपूर्ण होता जाएगा, ब्लेस होता जाएगा, आशीषित होता जाएगा। वरन खुदा हमें मिला भी करेगा, क्योंकि हम खुदा को खोजेंगे। और लिखा है, अगर मैं पढ़ूं फिर से, क्योंकि लिखा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगा रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, मतलब जो बुद्धि को खोजता है, जो परमेश्वर को खोजता है, जो समझ को खोजता है। समझ को खोजने का मतलब है परमेश्वर का डर मानना, और डर मानने का मतलब है बुराई से बैर करना। तो मतलब लिखा है यहोवा उससे प्रसन्न होता है, और लिखा है परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव लेकर आता है। मतलब जो परमेश्वर की बुराई करता है, परमेश्वर से बैर करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह अपने ऊपर ही उपद्रव लेकर आता है, अपने लिए गड्ढा खोदता है। और जितने लोग परमेश्वर से बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। मेरे भाई और बहनों, से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खुदा को खोजते रहना है। सबसे ज़्यादा उत्तम शिक्षा खुदा की है। जिंदगी में, पूरी धरती में सबसे बढ़कर खुदा का भय मानना, और उसे प्रेम रखना, और उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। क्योंकि वही हमारे प्राणों को अधोलोक से बचा सकता है, नरक से बचा सकता है, और वही हमें धरती पर और स्वर्ग में बहुत आयत की ब्लेसड लाइफ दे सकता है, भरपूरी की आशीष और भरपूरी का धन, भरपूरी की ब्लेसिंग्स दे सकता है, जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, जिसमें कभी काई नहीं लगती, जो कभी नुकसानों में नहीं जाता, और वो ठहरने वाली आशीष है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।